आज हम आपको बताएंगे मशीन में अगर धागा खराब आ रहा हो या धागा बार बार टूट रहा हो और या तो मशीन जाम हो रही है। ये पिको का मशीन है। पिको का मशीन का क्या एक प्रॉब्लम हमेशा आती है, कुछ दिन अगर बंद रहे तो मशीन एकदम टाइट यानी कि जाम घूमना शुरू हो जाती है, धागा खराब आना शुरू हो जाता है, धागा टूटना शुरू हो जाता है। ये देखिए ये बहुत जाम घूम रही है। ये क्या है, ये कस्टमर मेरे पास से ही ले गया है 20 दिन पहले और हमेशा दूसरे तीसरे दिन ले आता है। ठीक है, आप देख सकते हो 15 दिन से इन्होंने मशीन बंद रखी थी, आज वापस चालू की तो मशीन जाम हो गई। तो पिको मशीन में दो तरह की मशीन होती है, एक तो देखिए आप ये गियर वाली है, इसमें आपको मैं ऐसा दिखा देता हूँ एक बार, ये गियर वाली है। गियर वाली में क्या होता है कि आप कहीं पे भी ऑयल डाल सकते हो, आप देख सकते हो कहीं पे भी ऑयल डाला जा सकता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि मशीन मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जाम कैसे होता है। ये कस्टमर क्या करते हैं, यहाँ ऑयल बिल्कुल नहीं डालते, तो हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे एक एक बूंद ऑयल डाल देना। आप देख सकते हो, सर दिखाना थोड़ा यहाँ पे एकदम जूम करके, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ ऑयल डालना, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ ऑयल डालना। धागा ख़राब आने में भी ऑयल का बहुत बड़ा रोल होता है। आप ये मशीन में कहीं भी ऑयल डालिए, आपको बिल्कुल यूजफुल है ऑयल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए थोड़ा थोड़ा फ्री होना शुरू हो गया, हमेशा याद रखिए, याद दिखाई। ठीक है, और मान लीजिए गियर वाली मशीन है, हम ऑयल डालने के बाद भी फ्री नहीं हो रही है, फिर भी जाम घूम रही है, तो आप ये हमेशा याद रखिए, ये शटल रॉड है। शटल रॉड हमेशा यही रॉड जाम हो जाती है, बहुत दिन अगर 10-15 दिन आपने बंद रखी है मशीन तो ये चीज़ जाम हो जाती है। इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला होता है, इसको हल्के से, मेरे पास हथौड़ी है आपके घर में जो हो आपके हिसाब से आप देखिए, इसे हल्का सा ठोक देना है, हल्का सा ठोकिए, फिर यहाँ पे 2 बूंद वापस ऑयल डालिए, ये मशीन एकदम पानी जैसी घूमेगी। हल्का सा ही ठोके, ध्यान रखे हल्का सा ठोके, थोड़ा हाथ भारी ना लगाए, अगर बाई चांस आपका हाथ थोड़ा भारी लग जाए तो इसमें थोड़ा प्ले आ जाएगा, आप ये शटल को पकड़ के ये वैसे घुमाओगे इसमें प्ले आ जाएगा। तो वापस ये आपको क्या करना है, मैं आपको उसका भी आगे का बता देता हूँ, फिर बताओगे कि स्विंग मशीन गुरु ने ऐसा बताया था। ये एक स्क्रू और एक ये स्क्रू, इनको ढीला कर लीजिए, फिर इसको कस के पीछे पीछे की साइड पुश करके इसको ऐसे पकड़ के फिर हमें स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना। ध्यान रखें, जाम यही चीज़ होती है, हमेशा देखना, और यही एक धागा पकड़ती भी है क्योंकि कपड़ा जल्दी बाहर नहीं होता। ठीक है, मैं आपको पूरी याद नॉलेज दे देता हूँ गियर मशीन की भी, और हफ्ते में एक बार ये ढक्कन खोल के भी ऑयल डालें, आपके टाका खराब आने की दिक्कत आएगी नहीं। देखिए ये बिल्कुल सूखा हुआ है, नई मशीन ये लोग ले गए हैं लेकिन बिल्कुल सूखा हुआ है। ऑयल का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे शरीर के लिए पानी का रोल होता है उसी तरह से मशीन के लिए ऑयल का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देख सकते हो ये हफ्ते में अगर एक बार आप ऐसे मशीन में से स्टैंड पार्टियाँ में से निकाल के अगर ऐसे कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, धागा ख़राब नहीं आएगा, धागा टूटेगा नहीं, सिलाई ख़राब नहीं आएगी, सिलाई छोड़ छोड़ के नहीं आएगी। आपने देख सकते हैं ये गियर वाली है, आपको मैं मेरे पास अभी फ़िलहाल एक अवेलेबल है जिसे पट्टा वाली बोलते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक बहुत पुरानी मशीन है जो रिपेयर नहीं करनी है अभी, आप देख सकते हो इसे बेल्ट वाली कहते हैं, आपने देखा सेम ही साइज होती है, सेम ही मशीन होती है, पर इस बेल्ट में हमें ऑयल नहीं डालना होता है, आप देख सकते हो इसमें ऑयल नहीं डालना होता है। बाकी ये स्पेयर पार्ट में आप थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल सकते हो कि हमारी सिलाई ख़राब ना आए। और बेल्ट वाली मशीन में यहाँ एक बड़ा होल दिया गया है, यहाँ पे एरो तो दिया लेकिन इसमें ऑयल नहीं डाला जाता है। मैं आपको ये यहाँ आपको जब भी लगे तो आप इस होल को बंद कर देना, सेलो टेप मार के या कोई भी चीज़ से बंद कर दीजिए। ठीक है, अभी हम एक बार सिलाई मार के देख लेते हैं, एक बार हम पिचेस मार के देख लेते हैं। मशीन अभी फ्री भी हो गई है, मैं आपको एकदम धीरे से स्मूथली बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना आए, आप देख सकते हो
इतनी बेहतरीन सिलाई आ रही है। इसके लिए आज मैंने आपको ये जानकारी दी है कि बहुत बार कस्टमर मेरे यहाँ आके यही कंप्लेन करता है, सर अभी 15-20 दिन पहले मशीन बनवाई है, दिक्कत फिर से वही आ रही है। जब मैं उनको पूछता हूँ कि आप 15-20 दिन से मशीन चलाए हो या नहीं, वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन सिलाई आ रही है। इससे पहले सिलाई बहुत ख़राब आ रही थी और धागा टूट टूट जा रहा था। तो आप ऑयल बिल्कुल करें, सिलाई मशीन में सिलाई ख़राब आना, धागा टूटना ऑयल के लिए ही है। अगर शटल सूखेगा, एकदम सूखा हुआ रहेगा, तो ही धागा टूटने की प्रॉब्लम आएगी। और धागा ख़राब इसके लिए ही आता है कि धागा शटल से जल्दी पास नहीं हो पाता। तो आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तो आपको अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।